हेलो ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, तो कल के क्लास में हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लेमा देखा था, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखा कीजिए ताकि कॉन्सेप्ट मिस ना हो। ओके, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा पे हमारा जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उसको हम लोग करेंगे। और उसमें जो उस सीरीज में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, शो दैट any positive integer is of the form of 3m or 3m plus 1 or 3m plus 2. हमें क्या करना है, हमें शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जिस उसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो 3m के फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो 3m plus 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो 3m plus 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमें शो करना है। ओके, तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग लिखना है, इसको हमें शो करना है। तो लेट कर लिया हमने कि लेट ए बी any positive integer, ठीक है। तो यहां से b की वैल्यू क्या मिलेगी, 3, है ना, b बराबर क्या है, 3 मिल जाएगा। ओके, तो by Euclid division lemma हमें क्या मिल जाएगा, we get हमें Euclid division lemma से क्या मिल जाएगा, a is equal to 3m plus r। यहां m क्या है, कोशेंट है, है ना, 3 डिवाइजर है, m कोशेंट है, और r क्या है, रिमाइंडर है। ये बात तो समझ में आई। यहां से r क्या है, r की कितनी वैल्यू हो सकती है, r जो है हमारा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, या लेस देन कितना, डिवाइजर से छोटा होना चाहिए r, यानी कि लेस देन कितना, 3। यानी कि हमें यहां से क्या मिल गया कि r की जो वैल्यू हो सकती है क्या हो सकती है, 0 1 2 हो सकता है ना, और तो कोई वैल्यू नहीं होगी, लेस देन 3 है तो 0 1 2 हो सकता है। तो अब हमारे पास तीन केसेस आ गए। तो देखिए जरा, इफ r इज इक्वल टू 0 व्हाट वी गेट a इज इक्वल टू 3m। उसी तरीके से इफ r इज इक्वल टू 1 व्हाट वी गेट a इज इक्वल टू 3m प्लस 1। इतनी बात तो समझ में आ गई, ठीक। इफ r is equal to 2, what we get, a is equal to 3m plus 2. तो क्या मिल गया हमें, hence we can say that any positive integer is of the form of 3m or 3m plus 1 or 3m plus 2, यहां लिख देंगे। Hence we can say that any positive integer can be represented in the form of 3m or 3m plus 1 or 3m plus 2. अच्छा, एक बात बताइए, इसका मतलब क्या है, बहुत बच्चों को इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे ये रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है। जैसे कि कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर लीजिए, जैसे कि 5, देखिए तो 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 into 1 plus 2, ये लिख सकता हूं कि नहीं 5 को, है ना। तो देखिए ये 5 बराबर ये 3 है, ये 1 को 1 मतलब क्या, हमारा m मान लिया, m यहां पे क्या है, कोई भी इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, 3m plus 2 यही है। 5 को हम लोग देखिए लिख दिए 3m plus 2 के फॉर्म में। तो देखिए हमें क्या प्रूफ करना था कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 3m plus 2 या 3m plus 1 या 3m plus 3m के फॉर्म में लिखा जा सकता है, यही हमें प्रूफ करना था। बात क्लियरली समझ में आई, ठीक है। इसी तरीके से 10 100 19 15 कोई भी नेचुरल नंबर जिसको कि हमें लिखना हो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जिसको कि हमें लिखना हो वो इसी फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये बात क्लियरली समझ में आए, ठीक है। इसी का यूज करके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ओके, तो ये एक तरह से हमारे लिए थ्योरम ही है, जो हम प्रूफ कर दे रहे हैं वो हमारे लिए थ्योरम हो जा रहा है, ठीक। तो ये एक तरह से थ्योरम ही है, इसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। इसी के बेस पे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 है एनसीईआरटी का। तो आइए देखते हैं उस क्वेश्चन को भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 2। ओके, तो इसको बनाने के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले हमने क्या किया, a भी एनी पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लिया, a कोई क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, इतनी बात तो सबको आएगी। ओके, बहुत से बच्चे क्या करेंगे, b को क्या कर लेंगे, 9 लेट कर लेंगे, b इज इक्वल टू 9। तो जब b को 9 आप लोग लेट कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा आपको, रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी वो आपको मिल जाएगी क्या, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक मिल जाएगा, लेस देन 9 मिल जाएगा। तो आप लोग कितने नंबर्स का क्यूब कर करके दिखाइएगा, ये बहुत बड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। हालांकि ये प्रोसेस भी सही है, लेकिन इतना बड़ा प्रोसेस करने की क्या जरूरत है ना, ये चीज तो समझ
समझ में आ रही है? तो हम लोग क्या करेंगे, पिछले वाले थ्योरम का यूज करेंगे, और वो थ्योरम क्या था उसको यहां डायरेक्ट लिख देंगे। क्या लिखेंगे? Since we know that any positive integer can be written in the form of 3q, 3q plus 1 or 3q plus 2, अभी हमने प्रूफ किया है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए तो जरा कि a भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम लोग a को भी इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना? लिख सकते हैं कि नहीं? तो बस if a is equal to 3q, जब a 3q है, ठीक है, तो अब जरा इनके दोनों साइड में क्यूबिंग कीजिए, यहां लिखना होगा क्यूबिंग बोथ साइड। मैं यहां डायरेक्ट कर रहा हूं लेकिन आप लोग को क्या करना होगा, पूरा लिख के करना होगा। तो क्यूबिंग बोथ साइड, व्हाट वी गेट, a क्यूब बराबर 27 क्यूब, क्यू का क्यूब है ना, ये लिखेंगे, ठीक। तो अब जरा देखिए, तो a क्यूब का हम लोग ये 9 यहां से कॉमन ले सकते हैं, तो 9 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, 3 क्यूब का क्यूब है ना। तो a क्यूब बराबर 9m, यहां पे m बराबर क्या है, 3 क्यूब का क्यूब। ये बात तो समझ में आ गई आपके, ओके। नेक्स्ट, इफ a इज इक्वल टू, क्या लेते हैं हम लोग, 3q प्लस 1, फिर अगेन लिखेंगे क्यूबिंग बोथ साइड। तो क्यूबिंग बोथ साइड ये एक अच्छे से बना बना के दिखाना होगा, एक बार ये इतना बनाइएगा, फिर इफ a इज इक्वल टू इतना नीचे में लिखिएगा, फिर उसका क्यूब कीजिएगा अच्छे से सुंदर पैटर्न में, तभी नंबर मिलता है, ठीक है। तो क्यूबिंग बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा, a क्यूब बराबर, अच्छा a प्लस b का होल क्यूब होता क्या है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, है ना, यही होता है। तो देखिए कीजिए, a क्यूब बोले तो कितना, 27 क्यूब का क्यूब, क्यू का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, यानी कि 9 3 27 क्यू स्क्वायर, b मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 ही होगा, फिर 3ab स्क्वायर यानी कि 3 3 9 क्यू, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा, ठीक है, फिर प्लस b क्यूब यानी कि 1, ओके। अब फिर से यहां पे 9 कॉमन ले लीजिए तो क्या मिल जाएगा आपको, 3 क्यूब क्यू क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, और ये क्या, प्लस 1, ओके। अब ये देखिए यहां से ए क्यूब बराबर 9m प्लस 1, यहां m की वैल्यू क्या है, यहां m बराबर क्या है, 3q³ + 3q² + 9, ये है m की वैल्यू, अच्छा ये इतनी बात समझ में आ गई। फिर उसी तरीके से हम लोग क्या रखेंगे, किसकी वैल्यू, ये वाला टर्म, ठीक, 3q + 2 दिखाएंगे, ये वाला टर्म दिखाएंगे। इफ a बराबर 3q + 2 रहे, फिर से क्यूबिंग बोथ साइड, तो क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे भी क्यूब, यहाँ पे भी क्यूब, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अच्छा हाँ एक चीज जरूर याद रखिएगा, ये और लिखना मत भूलिएगा, और जरूर लिखिएगा हर जगह, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें नंबर मिलता है, ठीक है, और नंबर कटता भी अगर नहीं लिखेंगे तो, ठीक है। तो और a क्यूब बराबर क्या, तो ये जरा देखिए इसका क्यूब कीजिए तो कितना आएगा, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए जरा सा, तो a क्यूब प्लस यहाँ 9 कॉमन ले लेंगे, a क्यूब इसमें क्या है, 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 9 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 ये मिल जाएगा प्लस 6 क्यू स्क्वायर मिल जाएगा प्लस 4 क्यूब प्लस ये ब्रैकेट बंद प्लस 8, यानी ये देखिए a क्यूब बराबर क्या मिल जाएगा, ये इस टर्म को m मान लीजिए 9m प्लस 8। तो देखिए हमें क्या क्या शो करना था, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, ओ यहाँ 9m प्लस 2 लिख दिया हूँ, ठीक है 9m प्लस 8 कर लीजिएगा, ओके। तो बात समझ में आया, इतनी बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गई, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे फिर हम लोग लिखेंगे कि हेंस क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1 एंड या 9m प्लस 8 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। बात क्लियरली समझ में आया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग करेंगे पिछले क्वेश्चन का, जैसे कि मैंने अभी यूज कर लिया, ठीक है। एग्जाम में अगर आता है तो आप लोग इसी तरीके से लिख करके डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये तीनों आप लोगों को दिखाना होगा, ओके। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q + 1 4q + 3, ठीक है। हमें इसे शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम लोग किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मान लिया कि a कोई हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर है ना, तो a इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है। तो b यहां से क्या मिल जाएगा, b बराबर 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो बाई यूजिंग यूक्लिड डिविजन लेमा हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 4q + r मिलेगा,
है ना, और यहां से r की वैल्यू क्या मिलेगी, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू एंड लेस देन 4, ओके। तो r इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0 1 2 एंड 3, ये वैल्यूज मिल जाएंगी r की, ठीक। बस r की वैल्यूज पुट करके देख लीजिए, इफ r इज इक्वल टू 0 व्हाट वी गेट, a बराबर 4q, इफ r इज इक्वल टू क्या 1, इफ r इज इक्वल टू 1 वी गेट a बराबर क्या 4q प्लस 1, ठीक है। इफ r इज इक्वल टू 2 वी गेट a इज इक्वल टू 4q प्लस 2, ठीक है। इफ r इज इक्वल टू 3 वी गेट a बराबर 4q प्लस 3, इतनी बात तो समझ में आई, ठीक है। a जो है हमारा कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो जरा सा देखिए तो यहाँ पे कि क्या q की वैल्यू जब हम कोई भी नंबर रखेंगे, कोई भी 1 2 3 4 कुछ भी रखेंगे, तो क्या a हमारा पॉजिटिव ऑड नंबर आएगा, नहीं आएगा, रख के देखिएगा, नहीं आएगा। उसी तरीके से अगर a की वैल्यू, अगर यहाँ पे इस नंबर वाले में, इसमें a बराबर 4q प्लस 2 में अगर q की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी रखेंगे, तो देखिएगा हमें क्या मिलेगा, हमेशा इवन नंबर ही मिलेगा, है ना। तो इसमें भी ऑड नहीं आएगा, इसमें भी ऑड नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें ऑड क्या क्या मिला, ये मिला और ये मिला, इसमें रखिएगा तो हमेशा ऑड नंबर मिलेगा, ठीक। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस ए इज ऑड इंटीजर, सिंस ए इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर बट ए बराबर 4q इज नॉट ऑड, या हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं बट a बराबर 4q एंड a बराबर 4q प्लस 2 इज नॉट ऑड टर्म्स, है ना, दे आर इवन टर्म्स। हेंस वी कैन से दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3, ओके। बात क्लियरली समझ में आए, इसी तरीके से हम लोग यूज करेंगे, ओके। तो हम किस टर्म में लिख सकते हैं, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के टर्म में लिख सकते हैं ऑड इंटीजर को। तो जरा इसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में, 8q प्लस 1 के फॉर्म में हम लोग को लिखना है, ओके। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, है ना, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, लेट a be a, क्या है हमारा, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। अच्छा, अगर आप b को a 8 मान लेते हैं, b इज इक्वल टू अगर 8 कर लेते हैं, तो फिर से रिमाइंडर क्या हो जाएगा, लेस देन 7 हो जाएगा। तो कितने नंबर्स का स्क्वायर कर करके दिखाइएगा, 0 1 2 3 सबका स्क्वायर कर करके दिखाना होगा इसके फॉर्म में। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पिछले वाले थ्योरम का यूज करेंगे, और पिछले वाले थ्योरम में क्या था कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम लोग किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिए 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3 इसी के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो अब इसको करके देखते हैं, ओके। तो आइए इसको देखें, सिंस वी नो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 4m प्लस 1 4m प्लस 3 इन्हीं दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो अब जरा देखिए तो कि इफ a भी हमारा कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो इफ a इज इक्वल टू 4m प्लस 1, ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है, शो दैट स्क्वायर ऑफ, तो अब जरा दोनों साइड स्क्वायरिंग कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड व्हाट वी गेट, हम लोग क्या मिलेगा दोनों साइड करने के बाद स्क्वायर, वी गेट ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके, यहां से आप कितना कॉमन ले लीजिए, 8 कॉमन ले लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा 2m स्क्वायर प्लस m और ये प्लस 1, ओके। तो 8 यहां से इतने टर्म को आप लोग क्यू लिख लीजिए, क्यू प्लस 1, यानी कि हमें क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8q प्लस 1, ओके। अब जरा देखिए, इफ a इज इक्वल टू 4m प्लस 3, इफ a इज इक्वल टू 4m प्लस 3, तो फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हम लोग क्या मिलेगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा, यही मिलेगा आपको, ओके। तो अब जरा देखिए तो इस 9 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 8 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो इस 9 को मैं क्या करता हूँ, 8 प्लस 1 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब कॉमन ले लेता हूँ 8, यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 2m स्क्वायर प्लस 3m और प्लस 1, 8 कॉमन ले लिया था मैंने, ओके। तो हमें मिल जाएगा 8, इस टर्म को क्यू मान लो, प्लस 1 हो गया, यानी कि a स्क्वायर इज इक्वल टू
8 क्यूब प्लस 1, तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 8 क्यूब प्लस 1। बात क्लियरली समझ में आया, इतनी बात समझ में आ गई आपके? ओके, आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक और HCF, LCM, ये सारी चीज़ें, प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालेंगे ये भी देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स देखेंगे, ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने भेजे थे, तो यही इसका सॉल्यूशन मैंने करा दिया। ओके, तो मुझे नहीं लगता है कि अब कोई प्रॉब्लम होगी किसी क्वेश्चन में, ठीक, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, बस अप्रोच सही होना चाहिए। ये कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है यूक्लिड डिवीजन लेमा, बहुत इजी चैप्टर है, इससे इजी कोई चैप्टर नहीं है, तो बस अप्रोच सही रखिए कि हमें क्या यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। ओके, तो इसी तरीके से क्वेश्चंस बनाइए घर पे। ओके, तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।